आप YouTube पर आ गए, आप किताबों के साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, ये क्या बदलाव है? हाँ, नहीं, फर्स्टली थैंक यू श्वेता जी आपने ये सेशन करने के लिए, थैंक यू आज तक फॉर हैविंग मी, थैंक यू आप सब लोग आए, एक लेखक को सुनने के लिए आए हो, बहुत कुछ कर सकते थे, ये आपके लिए तालियां हैं, आपके लिए है सर। 2022 में आप अभी नेटफ्लिक्स देख सकते थे, अमेजॉन प्राइम देख सकते थे, सोनी लिव देख सकते थे, Z5 देख सकते थे, उल्लू टीवी देख सकते थे। श्वेता जी आपको पता है उल्लू टीवी क्या है? और ये सारे क्यों हंस रहे हैं, इनको पता है? नहीं, मैं समय में थोड़ा पीछे अपने आप को महसूस कर रही हूँ। अच्छा है, आपको नहीं पता तो ऐसे तो हम उल्लू टीवी की बात नहीं करेंगे ज्यादा, अब बाकी लोग सारे गूगल कर रहे हैं उल्लू टीवी क्या है। उल्लू टीवी, उल्लू क्या होता है? उल्लू वो है जो रात को जागता है ना, तो उन्होंने एक ऐसा टीवी बनाया जो रात को देखा जाता है, तो आगे आप समझ जाओ। तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, बट ये सब ये कर सकते थे और ये लोग एक लेखक को सुनने आए हैं, ना ही मेरे को, बाकी सेशंस भी आई एम श्योर आप अटेंड करेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड श्वेता जी ऐसा है कि मेरे को भी अभी ये करते करते अपनी कलम चलाते या लैपटॉप चलाते चलाते जो भी 20 साल के करीब हो रहे हैं, एंड जब मैंने बुक्स लिखना स्टार्ट किया था एक अलग इंडिया था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, डेटा ही नहीं था, डेटा क्या होता है मतलब पता ही नहीं था, और मोबाइल फ़ोन ही हल्के हल्के आने शुरू हुए थे 30 रुपये पर मिनट वाले, तो एक एंटरटेनमेंट मतलब ये ऑब्वियसली वेब प्लेटफॉर्म्स ये सब कुछ नहीं था, इंस्टाग्राम रील्स नहीं थे, शॉर्ट्स नहीं था, तो एक एंटरटेनमेंट की कमी यू कैन से थी लोगों को पास। मेरे को लग रहा था इंडिया की स्टोरीज जो इंडियंस से रिलेट कर सकें वो नहीं है इतनी, तब मैंने वो लिखना शुरू किया और मेरे को उसका सक्सेस भी मिला, वो स्टोरीज चली भी, फिल्में भी चली। आज हम उस सिचुएशन में नहीं है, एक टाइम था हम दूरदर्शन ही था सिर्फ, तब हम एंटरटेनमेंट के प्यासे थे, तब आदमी को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, पानी दे दो भाई थोड़ा, तब कृषि दर्शन भी नजरें टिका कर देखते। मैं देखता था कृषि दर्शन, मतलब मेरे को मक्की की फसल आप पूछ सकते हो अभी भी तो और अब ऐसा हो गया कि इतनी एंटरटेनमेंट है, अब प्यासा नहीं, अब आपके घर रोज 100 पानी की बोतलें कोई छोड़ के जा रहा है, तो अब मैं एक और बोतल बना दूं पानी की, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन हुआ यह है कि ये जो डेटा और इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ आई है, और मतलब शायद लोगों कुछ को बुरा लगे, लेकिन इसने कहीं ना कहीं हमारे यूथ को कमज़ोर भी बना दिया, क्योंकि मैं लड़कों के लिए ज़्यादा बोल सकता हूँ, लड़कियों के साथ भी एप्लीकेबल हैं ये चीज़ें, कि फ़ोन मैं देखता हूँ कि स्पेशली जो युवा लड़के हैं बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई है, उसमें सारा दिन रील्स देखते रहना, यू नो लड़कियों की फ़ोटोज़ उस पर लाइक दबा रहे हैं, लिख रहे हैं अच्छे, मतलब मैं कोई तो कर रहा है ना लाइक, करोड़ों लाइक होते हैं, उर्फी जावेद की फोटो है देखो, सबको पता है क्यों पता है आपको, कोर्स में आने वाला है, तरक्की होने वाली है, जॉब इंटरव्यू में जाके बोलोगे कि सर मेरे को उर्फी जावेद की सारी ड्रेसेस पता है नहीं, तो ये क्या हो रहा है, ध्यान खींच रही है चीजें। अब उस बेचारी की गलती नहीं है, वो अपना कर रही है, वो अपना करियर बना रही है, ऐसे 50 और हैं, ठीक है। एंड इससे क्या एक यूथ, एक इंडिया का जवान वो है जो कारगिल पे बैठ के देश की रक्षा कर रहा है बर्फों में भी, और एक हमारा यूथ ये है जो बिस्तरे में घुस के उर्फी जावेद के फोटोज देख रहा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, यू नो मैं 10 बेस्ट सेलर लिखूँ, 10 की 12 कर लूँगा, आप मुझे फिर भी बुलाओगे, होपफुली लोग फिर भी आएंगे देखने, लेकिन जो टाइम मुझे उन 2 किताबों लिखने में लगेगा, उतने में मेरे को लगता है अगर मैं लोगों को सिखा दूं कि यार तुम कैसे लाइफ में आगे बढ़ो, मेरी तो हो गई ना, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा, तो वो मेरा एम है कि लोगों को सही दिशा में लाऊं, सही डायरेक्शन में लाऊं, और फिर से लोगों को अपना बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाऊं, जैसे मैंने किया लाइफ में, वैसे लोग हमारे देश के लड़के भी करें, बहुत टैलेंट है, बहुत एम्बिशन भी है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिशा की कमी है, एक मोटिवेशन की कमी है, गाइडेंस की कमी है, तो मुझे लगा कि मेरे जैसे लोग जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, पढ़े लिखे सेलिब्रिटी वैसे ही कम होते हैं, तो मतलब उनको मैं अगर गाइड कर सकूँ तो शायद वो बेटर होगा, तो वो यूट्यूब एक तरीका है उसका, लाइव टॉक्स एक तरीका है, ये वाला सेशन भी मैंने कहा और आप लोग बड़े अच्छे से मान गए कि आज मोटिवेशन की बात करते हैं, मनोरंजन की बातें तो होती रहती हैं।